I've never had an experience. Let me put it this way. I mean, if it were to, if it has happened to people, and if it does sort of come out in the way that it has in the West, I would be heartbroken. बहुत बार लड़ने के लिए हम डरते हैं. हमको लगता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. या बहुत इतने सालों से हम यूज्ड टू हो गए हैं कि हम चुप बैठे. बट आई थिंक इट्स ओके टू फाइट फॉर थिंग्स दैट आर राइट. ये जानना ज़रूरी है कि ये कभी भी किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. इट्स नॉट, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है मेंटल इलनेस के बारे में, जैसे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को होता है या सिर्फ पैसे वालों को होता है या सो देर आर अ लॉट ऑफ नोशंस. जैसे हम फिज़िकल इलनेसेस को ट्रीट करते हैं, जैसे हम फिज़िकल इलनेसेस के जो सिम्टम्स है उसको पहचानते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, वैसे ही मेंटल इलनेस को भी अगर हम उस तरह से देखा जाए कि मेंटल इलनेस भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, और जितना ज़्यादा हम उसके बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आई थिंक धीरे धीरे जो स्टिग्मा है मेंटल इलनेस को लेकर वो शायद कम होगा.